धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब इस देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की बोलने की जरूरत क्यों है? हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों है? मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कह पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। अब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान कहने और बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी को, जिसे कभी इंदूज वैली भी कहा जाता था, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। ऐसे भी देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहने के पूर्व इस देश का नाम मनुष्यों ने कई नामों से पुकारा, जैसे भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्मूद्वीप आदि नाम ऐसे भारतीय ग्रंथों में दिए गए। ऐसे गौरवशाली नामों को विस्मित कर भारत पर्याय इंडिया को बना देना, फिर इंडिया को ही सार्वभौमिकता प्रदान करते इंडिया दैट इज भारत कहना न्याय संगत नहीं है। महोदय, इसीलिए सदन से मेरा आग्रह है कि भारत का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की परंपरा